आंदोलन पहुंचा। और क्या कोई खुशखबरी है? 28वां दिन है, लेकिन ये है ना, फौजी अंग्रेजी में अगर 28वां दिन बोला जाए ना, वो एक सजा का दिन भी है कि फलाना छुट्टी से लेट आ गया, 28 दिन उसको अंदर होगा। तो हम भी 28वें दिन के अंदर हैं, अंदर तो कोई मिलने आता नहीं है, 28वें दिन के बाद में जब बाहर जाएंगे तो हो सकता है कोई मिलने के लिए आ जाए, अभी तक कोई नहीं आया। लोग ये कहते हैं साहब कि 28 दिन का प्लान होता है, प्री प्लान होता है, जितने मोबाइल होते हैं 28 दिन का पैक होता है, कि 28 दिन के बाद खत्म हो जाएगा कि बढ़ेगा, या मोबाइल के पैक की तरह आंदोलन खत्म हो जाएगा? ये भी एयरटेल की तरह बढ़ जाएगा या जियो की तरह बढ़ जाएगा, उसका भी 3 महीने फ्री में कर देंगे, तो ये पता नहीं कितने महीने फ्री में होगा। तो आपने 3 महीने का रिचार्ज कराया है? 3 महीने का है, साल भर का है, कि 28 दिन का रिचार्ज है? हमारी जो मेडिकल लाइफ है ना, मेडिकल लाइफ 60 ईयर है, उसके बाद में जितनी रिमेनिंग लाइफ है ना, वो सारी रिचार्ज कर ही इधर आए हुए हैं। पूरी तरह से चार्ज भरा हुआ है आपके अंदर, पूरी तरह से रिचार्ज हो? फुल चार्ज, वो बॉर्डर के ऊपर बैठ कर ही चार्ज होकर ही हम जब रिटायर आते हैं, तो अभी तो बड़ी मुश्किल से इधर बैठे हुए हैं। अपनी जितनी भी पूरी त्रुटियां OROP 1 और 2 में है, उनको लेकर इधर बैठे हुए हैं, फुल चार्ज होकर ही आए हैं हम। फुल चार्ज ये नहीं है कि गवर्नमेंट के खिलाफ हैं या किसी के विरोध में हैं, हम सिर्फ अपनी जितनी भी कठिनाइयां हैं, जो हमारे साथ जो किए बेनियमियां की गई हैं, उनको सुलझाने के लिए इधर बैठे हुए हैं। किसका सेगन? विपक्ष का। देखो, हम पॉलिटिशियन नहीं है, हम हैं एक सर्वे रिटायर्ड सोल्जर, हम लोग कई चीज़ों के लिए बंधे हुए हैं, हम लोग किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी के साथ संबंधित नहीं हैं, और ना ही विपक्ष, ना ही किसी पक्ष वाले के से हैं। हमें सिर्फ अपनी मांगे मनवानी हैं, चाहे कोई भी आए, पर हम किसी विपक्ष में कोई, हमने पार्लियामेंट में जाकर कोई अपना पॉइंट नहीं रखना, हमने सिर्फ सरकार के पास इधर बैठे बैठे ही अपनी जितनी भी बेनियमियाँ हमारे साथ OROP 1 और 2 में की गई हैं, उसी को ठीक कराने के लिए ही हम इधर। अब तो आंदोलन को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है, कुछ आपके ही सैनिक भाई बड़ी अभद्र टिप्पणियां कर रही है यूट्यूब चैनल पर, ऐसे दिखाया जा रहा है कि जवान अफसरों की पत्नियों के अंडर गार्मेंट्स होते हैं, इस तरह के टाइटल बना के वीडियो चलाए जा रहे हैं, और आपके में से ही कुछ एक दो लोग निकलते हैं और बोलते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, हम लोग डिसिप्लिन सोल्जर हैं, आप सुबह से आपने देखा होगा, हम बिल्कुल दस्तूर से डिसिप्लिन से इधर बैठे हुए हैं। हमने बात पे कुछ चैनल ऐसे हैं जो लगातार सेक्स वर्ड को इस्तेमाल कर और सनसनी खेज बनाकर OROP को साइड रख के कुछ और ही चला रहे हैं, वो तो पे क्या कहेंगे? ये हम लोग पूरा स्टेज से ऊपर से हम लोग बार बार अनाउंसमेंट कर चुके हैं, जो चैनल चलाएगा, जो भी उसको बाइट देगा, वो खुद जिम्मेवार होगा, ये स्टेज, ये मंच उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे जो ऐसे अश्लीलता और इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं और उस पर छाप रहे हैं, उनसे कुछ जिसके खिलाफ छाप रहे हैं वो बिल्कुल हमारी तरफ से उनके खिलाफ केस करे, जो मर्जी करे, हम इस स्टेज से किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि कोई भी इस तरह की लैंग्वेज यूज करे, बेहुदा लैंग्वेज के हम सख्त खिलाफ हैं, हम पूरा 100% डिसिप्लिन्ड हैं, और डिसिप्लिन में रह कर ये जितना भी मोर्चा जब तक आगे जाएगा उसी तरह ही चलाएंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं कैप्टन राजेश चौधरी, जिला अध्यक्ष भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ जिला हापुड़ से आया हूँ। आज यहाँ पर इस धरने की जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ को सौंपी गई है, इसी तरह से डे बाई डे हर डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी जाती है, और आप महसूस कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही केवल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 दिन तो उत्तर प्रदेश ही चलाएगा, हर राज्य से पूर्व सैनिक यहां आ रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं, और ये धरना, मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि उस समय तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। जहाँ तक आपने सवाल किया है कि यूट्यूब पर गलत बातें कही जा रही हैं,
उसमें मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप भी उसके लिए थोड़े जिम्मेवार हैं कि आप एक पत्रकार होते हुए, आप एक अच्छे सोशलिस्ट होते हुए, आप उसके मुंह से ये निकलवाना चाहते हैं कि कहो अफसर आपसे क्या कराते हैं। आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप भी उस तरह से इस तरह की बात ना रखें ताकि वो मजबूर हो गए या गलतियों से कम पढ़े लिखे लोग हो गए अपने मुंह से ऐसी बात निकालें, क्योंकि होता रहा होगा। हमारा उससे लेना देना नहीं, हमारा मतलब आपको बहुत कुछ मिले, सबको मिले, अधिकारियों को मिले, हमारा भी हमें मिले। हमारी लड़ाई इस बात को लेकर है। और बोलिए क्या कहना चाहते हैं। लगातार आपके प्रदर्शन को 28 दिन हो गए, आगे क्या आपकी क्या रणनीति ये है? जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तब तक हम इस जंतर मंतर से, जिसे संसद, मिनी संसद भी कहा जाता है, इसकी ऐसा नहीं है कि इसकी एक भी आवाज माना जाए, हर रोज आवाज जाती है, लेकिन जिस दिन वो आवाज बम बन के उनके पास में पहुंचेगी तो उनको यहाँ आना पड़ेगा या उनको हमें बुलाना पड़ेगा और हमारी बातें सुननी होंगी। ये इसीलिए जगह नियुक्त की गई है कि अपनी बातें रखें, सरकार तक पहुंचाएं और सरकार तक वो बात पहुंचती है। संसद में सांसद मुद्दा उठाते हैं, ये जो मिनी संसद कह रहे हो आप, जंतर मंतर को मिनी संसद कह रहे हो, इस पर जनता मुद्दे उठाती है, तो किसका मुद्दा ज्यादा रिलेवेंट लगता है आपको? मुद्दा तो जनता का ही है, जनता ने ही अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजे हुए हैं, मुद्दा जनता का है, जनता सर्वोपरि है, जनता की बात जन प्रतिनिधियों को संसद में उठानी होगी, आज नहीं तो कल जनता के सामने उन्हें जवाब देना होगा और हमारी बातें मांगनी होंगी। आप कहां से आए हैं सर? मैं सोसाइटी रन करते हैं, ऑल इंडिया एक्सर्विसमैन डेवलपमेंट काउंसिल ऑल इंडिया लेवल पर है, मैं उसका भूतपूर्व अध्यक्ष हूँ। आज हमारे अध्यक्ष अशोक जी हैं रेवाड़ी के, वो नहीं आए तो उनकी जगह मैं आया हूँ। तो वैसे भी मैं 4-5 बार यहाँ आ चुका हूँ, आता रहता हूँ हफ्ते में कम से कम 2 बार अपना इनको सहयोग देने के लिए। मेरा कहना तो अब दो ही चीज़ है, एक तो भेदभाव कम हो, भेदभाव कम हो, भेदभाव कम हो, हमारा बराबर का रेशियो में अनुपातिक, हम 97% हैं भूतपूर्व सैनिक जो सोल्जर लेवल के हैं, अफसर लोग केवल 3% है, हमारा प्रेजेंटेशन सरकार के बाहर अनुपातिक होना चाहिए। अगर 10 आदमी जा रहे हैं तो 9 हमारे जाने चाहिए जो अपनी बात कह सके, क्योंकि हमारी बात ही उन तक सरकार तक नहीं पहुंच रही है। सरकार की गलती नहीं है। आप क्या कहोगे? ये लीडरशिप चेंज की बात कर रहे हैं, जवानों को नेतृत्व की बात कह रहे हैं, आप क्या कहोगे? नहीं, नेतृत्व जवानों के पास, अभी नेतृत्व जवानों के पास ही है, प्रेजेंटेशन जो ही कर रहे हैं हम उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे। हम तो, हमने तो पहले ही सबसे पहले बोला कि जो बेनियमियां की गई हैं वो तो उनकी वजह से ही हुई हैं, प्रेजेंटेशन तो वही गवर्नमेंट को करते हैं और वो हमारे को साथ में लेकर नहीं गए। सुखबीर जी ठीक बोल रहे हैं, हमारे को साथ में नहीं लेकर गए। अगर नेतृत्व करना है, 97% है वो 3% है तो 9% हमारा लेकर जाए, 1% वो जाए, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो किया इधर बैठे हुए हैं, हम उनको बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करेंगे। सरकार से भी विनती है, अगर हमें कोई टेबल टॉक के लिए बुलाती है, अब कब तक विनती करते रहोगे, रण कब करोगे? विनती करते करते 28 दिन बीत गए, अब सुबह भोर का उजाला कब आएगा, कब सूरज निकलेगा? सूरज निकलता रहेगा जब तक ये सांस चलती है ना, इधर बैठे रहेंगे जब तक गवर्नमेंट नहीं मानती, इधर ही बैठे रहेंगे। अगर इतनी हमने कुर्बानी देश के लिए किया है 30-30 साल 32-32 साल, तो क्या जो बाकी जो ये रह रही है पता नहीं कितनी है, वो कितनी करते ही रहेंगे। सर आप कहाँ से आए? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया हुआ।